गांधी सरमौर संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का अज चोन इजलास होने जा रहा जिस दे विच प्रधान समेत होर अहुदेदारां दी चोन की जाएगी। इस वेले तेजा सिंह समुंदरी हाल विखे तैयारियां मुकम्मल कर ली गई ने। सो तुसीं तस्वीरां दे जबानी देख सकते हो कि खास तौर दे उत्ते सुरक्षा दे प्रबंध किए गए ने, जिथे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों टास्क फोर्स लगाई गई है, उत्थे ही पुलिस प्रशासन भी वड्डी तादाद दे विच तैनात किया गया है। तो इस तों अलावा अज वख वख श्रोमणी कमेटी मैंबर चोन इजलास दे विच शामिल होने लई पहुँच रहे हैं। सो किस तरीके का यह चोन इजलास रहेगा? हर साल प्रधान की चोन की जाती है, प्रधान तो इलावा होर भी जिहड़े अहुदेदार हुंदे ने उन्हां दी भी चोन की जाती है। सो अज उस तरीके दे नाल चोन होवेगी, किस तरीके दे राहीं विधि विधान दा इह असीं गलबात करांगे श्रोमणी कमेटी मैंबर साहिब करनैल सिंह पंजौली। पंजौली साहब, सिखां दी नुमाइंदा जथेबंदी है, किस तरीके की सारी चोन प्रक्रिया रही है, की संविधान है? देखो, दुनिया भर के धर्म की दुनिया के सब तो वधिया सिस्टम जिहड़ा सिख धर्म के अंदर गुरद्वारे साहबान के प्रबंध का जो साडे बजुर्गों ने श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वर्गी संस्था स्थापित की है, ये साडे लिए एक बहुत ही अच्छी ते वधिया मतलब गल है। तो ये डेमोक्रेटिक सैटअप है, लोगों द्वारा चुने हुए मैंबर आते हैं, तो चुने हुए मैंबर जड़े ने अगे डेमोक्रेटिक तरीके ही अपने प्रधान की अपने अहदेदार की चोन करते हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कोई राजसी धिर नहीं है, बल्कि यह मीरी ते पीरी के सिद्धांत की प्रतिनिधता करने वाली संस्था है। तो मैं समझदा भी यदि उन्होंने की खुशकिस्मती है जिन्होंने इस संस्था का कित ना कि मैंबर बनने का मौका मिलता है, ये जुड़े रहने का मौका मिलता है। तो मैं ये भी महसूस करदा कि साढ़े लख बखरेवे होना बखरेवों असी व्यक्तिगत रूप के बंद का विरोध तो जी सद के करिए, पर सू संस्था का विरोध नहीं करना चाहिए। संस्था के सगों इस संस्था को मजबूत करने सू अपना रोल अदा करना चाहिए, भावें कोई मैंबर श्रोमणी कमेटी की सत्ताधारी धर नाल होवे, भावें अपोजिशन नाल होवे, जतन साडा यह रहना चाहिए कि व्यक्तियां दीयां गलतियां दा तुसीं नोटिस लैण दा जतन जरूर करो, पर संस्था मजबूत करन दा सानूं जरूर जतन करना चाहिए। तेजा सिंह समुंदरी हाल दे विच एकत्रता होण जा रही है, किस तरीके दे मैंबर इहदे विच शामिल होंदे ने, जिहड़े चुने होंदे नुमाइंदियां तों इलावा होर किहड़े किहड़े मैंबर शामिल होंदे ने, ते किस तरीके दे नाल इह पूरा विधान चलदा है? देखो, ये एक वधिया सिस्टम ये जो साढ़े पुरखियों ने बनाया कि शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश होंदे ने, पंज सिंह साहिबान महाराज के ताबिया बैठते ने, अरदास होंदी आ, हुक्मनामा लिया जांदा, उस तो बाद संगत नू प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जड़े ने जिन्ने भी हाउस में मैंबर आए हुए होंदे ने, जिहड़े चुने हुए ने जां जिहड़े कोऑप्टेड मैंबर भी ने, वह सारयां नू संबोधन करके जिहड़े पुराने मैंबर साहबान जां पंथक शिक्षितां साणू विछोड़ा दे गईयां ने, उन्हां नू सब तो पहलां श्रद्धा दे सत्कार भेट करन दे मते पेश कीते जांदे ने। उस तो बाद प्रधान श्रोमणी कमेटी फिर स्टेज ते अनाउंस करदे ने कि कोई व्यक्ति उठ के प्रधान श्रोमणी कमेटी दे अहुदे लई ना पेश कर सकदा, फिर जिस दी भी इच्छा है वह उठे अपना ना पेश करे, उहदे उत्ते फिर प्रधान पुछदा भी किसी दूसरे ने होर ना पेश करना, तो जे तो कोई ना आता फिर वोटिंग होंदी है, तो जे कोई होर ना नहीं होंदा फिर सर्वसम्मति नाल उहदी चोण हो जाती। भावें कि श्रोमणी अकाली दल दे कोल बहुमत है, बहुत सारे मैंबरां दा जिहड़ा बहुमत उन्हां दे कोल, पर लिफाफा कल्चर पिछले काफ़ी लंबे समय तो दोष लगते हैं कि परची दे राही प्रधान की चोण हुंदी है, किन्ना क सहमत हो? इहनूं असीं लिफाफा कल्चर का ना पता नहीं क्यों दे दिता, यह एक धिर वल्लों अपना कैंडीडेट पुट किया जाता, तो जिस तरह अज दूसरी धिर है उन्हां दी मीटिंग ढींडसा साहब करके गए ने, तो उन्हां मैंबरां दा कैंडीडेट कौन आएगा ढींडसा साहब जानते हैं जां उन्हां दे मैंबर जानते हैं। कल श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल आए, उन्होंने मैंबर साहबान नूं पुछया, मैंबर साहबान ने अधिकार दे दिते भी तुसीं जिहड़ा मर्जी कैंडीडेट दे दो, उन्होंने कैंडीडेट पुट करना ना कि प्रधान पुट करना, प्रधान तां कि मैंबरां दी मर्जी ते डिपेंड करदा है, तो मैंबर चाहुण जे अकाली दल दा मतलब सुखबीर सिंह बादल दा मतलब दिता होया कैंडीडेट मैंबरां नू ना प्रवान होवे फिर तुसीं की कर सकते हो जी? तुसीं इह नहीं कह सकते कि श्रोमणी अकाली दल लिफाफे विच प्रधान बना के भेजदा, श्रोमणी अकाली दल लिफाफे दे अंदर अपने कैंडीडेट दा नाम भेजदा, उहदी चोण अगे हाउस च हुंदी है, तो वह बहुत संमति जिस पासे हुंदी है जित जांदे ने।
पिछले साल भी मंग उठी सी, इस तो पहला उठी सी कि प्रधान का कार्यकाल 5 साल का होना चाहिए है। किस तरीके का तुसी रखते हो कि किन्ना जायज है 5 साल का होना चाहिए कि जां 1 साल बहुत है? देखो जी, मैं इस गल नहीं सहमत है कि 5 साल का कार्ज जिहड़ा वह रखा जाना चाहिए। 1 साल का कार्ज बहुत होंगे तो एक साल के कार्ज में बहुत कुछ किया जा सकता है। तो ये सिस्टम नहीं चेंज करना चाहिए, बहुत अच्छा सिस्टम है जो चल रहा है। ये तब्दीली दे मैं हक च नहीं है, मेरी राय अनुसार ये ठीक सिस्टम है, यू चलाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। सो इस करनैल सिंह पंजाली श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर जिन्होंने दसिया है कि चोन जिस तरीके होंगी है, भावें कि बहुत सारे दोष लगते हैं, पर श्रोमणी अकाली दल के कोल पूर्ण तौर पर बहुमत है। जो प्रधान वालों श्रोमणी अकाली दल के वालों नाम तजवीज़ किया जाता है उसनों बकायदा हाउस के प्रवानगी ली जाती है। सो हूँ तो तुम तस्वीर भी देख सकते हो कि इस वेले श्रोमणी कमेटी तेजा सिंह समुंदरी हाल के चहल पहल शुरू हो चुकी है। तो 1 बजे ठीक 1 बजे पूरी चोन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चोन प्रक्रिया के इस बार एक खास तौर पर उचेचे तौर पर एक दिलचस्प गल रही है कि दूसरे पास सुखदेव सिंह ढींसा श्रोमणी अकाली दल डेमोक्रेटिक वालों भी अपने उम्मीदवार का जोड़ा है ऐलान किया जाएगा। उस तो बाद फाइनल होगा कि बहुमत किसने मिलता है तो प्रधानगी किस दे हक दे विच जांदी है। सो इस बार पहली बार देखने को मिल रहा है कि पिछले काफ़ी लंबे समय तो बाद इस तरीके की जिहड़ी है इतों की सरगर्मी देखने को मिलेगी कि आखिर दो धिरां जिहड़ियां ने वो आमो सामने होणगियां। पर पिछले काफ़ी लंबे समय तो श्रोमणी अकाली दल दे जिहड़ा बहुमत सी पूर्ण रूप दे विच हुंदा सी अते हर वार उन्हां दा ही प्रधानगी दा गुणा पैंदा सी। सो दिलचस्प होगा किस तरीके दे नाल इह अज प्रधानगी दी चोण होवेगी, आने वाले दिनों दे विच किस तरीके दीआं चुनौतियां रहणगियां। सो असीं लगातार इस अपडेट बने रहेंगे। हरिंदर सिंह सुरेंद्रपाल सिंह गुरपाल अमृतसर। नहीं, साढ़े कुछ बंदे से ना सिर्फ उन्होंने आई सी मैंबर साढ़े हो गए ने, असी क्या फॉर्मल जी इलेक्शन तो जरूर लड़नी है क्योंकि लोगों को यह ना हो कि गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी भी करी जाते हैं। हालांकि वो सारे टिकट उन्होंने दिते ने, सारे बंदे उन्होंने जिताए ने, पर फिर भी जो जमीर वाले लोग ने वो साढ़े नाल आए ने और वो देखते हैं भी अच्छ कि बंद वोटा मिले वोटा होंगे। लेकिन क्योंकि साढ़े आपदे तो कोई टिकट दिता नहीं सी, असी तो कोई किसी वो नहीं किया, इस करके मैं समझदा भी जमीर वाले लोग साढ़े नाल पहुँचे ने, वो जाने हम पता लगेगा अज जो इलेक्शन चो निकलियाँ वोटा कि कि मीटिंग की किन्ने को अपने मैंबर से आए थे आए नहीं? कई मैंबर तो बैस सीधे पहुँच गए, कई मीटिंग का पता भी नहीं सी, फिर भी 30-25 बंदे आ गए। इस करके ही सारे की लड़ाई यही है भी उतो अज फिर उन्होंने लिफाफा निकलू साढ़े इतने। मैं सारे कह के भेजा कि अपनी मर्जी तो करो भाई, तुम अपनी मर्जी न करो तो असी अपनी नहीं, क्योंकि डेमोक्रेटिक ढंग थोड़ा हक है। वो हम सारे आपका इतों कोई प्रोग्राम बना के गए ना हालांकि सारा कुछ उन्होंने ही है। सानू पता भी जिन्ने के बंदे उन्होंने बहुत तो लिबड़े हुए ने, बहुत ने ऐसे ने मैंबर जिन्होंने आप पैसे बहुत खाधे ने SGPC च, तो इस करके उन्होंने साढ़े नाल आउंदा नहीं, पर फिर भी जमीर वाले लोग उठणगे जरूर आउणगे साढ़े नाल। श्रोमणी कमेटी दी चोणां हुंदियां ते की तुसीं अपने वक्खरे तौर ते उम्मीदवार खड़े करोगे? असीं तां जी असीं तां खड़े करने करने ने, उहदे च कोई दोराय नहीं। असीं तां SGPC उहनां नूं जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहिब दी बेअदबी कीती है, जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहिब नूं पता नहीं कितने ने 328 सरूपां दे नहीं पता, तो उहनां नाल उहनां नूं किवें असीं कह सकदे हां वी उहनां नूं दुबारे उहनां नूं लड़ाई उहनां कोल SGPC आवे जिन्हां ने करोड़ां नहीं अरबां रुपए दे स्कैंडल किए ने। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਐਸ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਜਹਿਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਪੀਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਅਤੇ SGPC ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਧਰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਆਸਤ ਹੇਠਾਂ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਉੱਪਰ ਕਰਤੀ, ਧਰਮ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਵੱਢ ਹੋ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਈਏ। ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਸਫੀਰ ਆ ਉੱਦਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਦਖਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਆਪਣਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੋਕਿਆ, ਫਿਰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਰੁਕੇ ਫਿਰ ਛੱਡਤਾ, ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਉਹਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ? ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ। 3 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਪੁਰਖ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਅਤੇ 100 ਸਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਢੀਂਡਸਾ ਧੜੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਮੀਟਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ? ਕੋਈ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਫੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਰਪਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।